नमूना राय रोगान शशान पहंसी तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान विष्टान त्वामा शितरम न विप्रणाम राष्ट्रतम प्रयांति। भगवत जनों, राष्ट्र में एक विचित्र सी आपातकाल आपदा आई है। हम सभी का फर्ज बनता है कि हम अपनी अपनी तरफ से मानवता के लिए कुछ ना कुछ करें। अतएव मैंने भी निर्णय लिया, जिन आश्रमों मठों गुरुद्वारे समस्त धार्मिक स्थानों से कुछ ना कुछ पीड़ितों के लिए किया जा रहा है इस आपदा से बचने के लिए, तो मैं मेरे आश्रम शांत अद्वैत आश्रम जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, आगर और सुसनेर की सीमा संधि के ऊपर स्थित है, बहुत विशाल वहां पर विराट पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर आइसोलेशन वार्ड्स क्रिएट किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। हमारा भी कर्तव्य बनता है जब तप के साथ में उस दिव्य स्थान को हम शासन को प्रस्तावित करें। यदि शहरी सीमा से दूर इस प्रकार के निर्जन स्थानों के अंदर यदि आइसोलेशन वार्ड बनाते हैं वो, तो निश्चय ही रोगियों को रोग मुक्त होने में मदद मिलेगी और साथ ही वहां पर भवन है जहां पर धार्मिक आयोजन होते हैं, लगातार दिव्यता बनी रहती है। अब वे सुनसान है, वीराने पड़े, उनकी उपयोगिता क्या होगी? इसलिए बेहतर यह होगा कि जितनी धर्मशालाएं हैं, जितनी होटल्स हैं जहां पर लोग आ नहीं रहे, जा नहीं रहे, लॉकडाउन में पड़े, ये समय में वास्तविक गरीब, वास्तविक बेघर, वास्तविक जरूरतमंद भी स्पष्ट दिख जाएंगे शासन को, प्रशासन को। तो क्यों ना इन सबको हम अधिग्रहित करें जब तक कि हम इस व्याधि से पूर्ण मुक्त ना हो जाए और वहां पर उनको प्रश्रय दे। तो जितने भी बेसहारा है, रोगी हैं, पूरी व्यवस्था वहां पर की जा सकती है और समस्त संतों की भी इच्छा यही है। मेरी कुछ संतों से बात हुई, उनके अंदर की समर्पण की भावना देख करके मैंने निर्णय लिया। मैंने मेरे गुरु से अनुमति ली और अब यह प्रस्तावना कर रहा हूं आपके माध्यम से कि यदि मेरे आश्रम की जरूरत शासन को है, मानवता को है, तो केंद्र ही तो उसी का है, विश्व सद्भावना अभियान का। 5-5 किलोमीटर दूर तक कोई गांव नहीं है, पूर्ण व्यवस्थित आश्रम है, सारी सुविधा उपस्थित है, बेड वहां पर हैं, तो कम से कम मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं शासन को ये प्रस्तावना दूं। मेरा आश्रम है शांत अद्वैत आश्रम, बड़ा भरखेला ग्राम में है, आगर से 18 किलोमीटर दूर और शायद 15-16 किलोमीटर दूर सुसनेर से, राजस्थान और मध्य प्रदेश का ही सीमावर्ती क्षेत्र है। निरंतर खबरों में पढ़ रहा हूं, तेजी से फैल रहा है। लोगों से यह भी आह्वान कि आप लोग तपश्चरण कीजिए, अपने अपने घरों में तपश्चरण कीजिए, आपके हाथ की यही विषय है, बाकी सब शासन को करने दीजिए, प्रशासन को करने दीजिए। हमारे योद्धा डॉक्टर वहां पर काम कर रहे हैं, हमारे स्वयंसेवी वहां पर काम कर रहे हैं, पुलिस वहां पर काम कर रही है, इन सबको नमन। आपके अंदर ही दिव्य शक्ति का वास है, यह नवरात्रि आप सभी को बेहद शुभ होने वाली है। इस युद्ध के पश्चात जल्दी ही विपदा मिटने वाली है, परंतु वो जल्दी हो जाएगी यदि हम पूर्ण सहयोग देंगे हमारे इन कर्मियों को, इन योद्धाओं को, इन योगियों को। यदि वो योगी हैं, मैं आपको नमन करता हूं और नववर्ष की शुभकामनाएं। ओम नमो नारायण।